जाए कि सर लिखने और समझने में से कितने जो लिखा वो मैं भी लिख लेता हूँ अपनी कॉपी में, निकल गया जो मुझे समझाना था, जो आपका अटेंशन स्क्रीन पे होना चाहिए था वो अटेंशन नहीं हुआ। तो सबसे पहले लिसन केयरफुली, ये बात बहुत आसानी से बचपन से हमें बोली जाती है बट इसको कोई ध्यान देता नहीं, पता नहीं क्यों, समझ में आया? हाँ, अब लिसन केयरफुली में मैं आपको बताता हूं ड्यूरिंग द लेक्चर आपका जो एटीट्यूड होगा वो क्या होगा। आप होगा सर सामने देख रहे होंगे, फटाफट सर ने जो लिखा वो मैं भी लिख लेता हूं अपनी कॉपी में, समझ में आया? ड्यूरिंग द लेक्चर आपका ये होगा, लिख लेता हूं बाद में ना लिखना पड़े। नहीं जी, लिखे हुए की पीडीएफ तो मैं तुम्हारे तक पहुंचा दूंगा बट अगर मान लो ऐसी कोई बात बोल के निकल गया जो मुझे समझाना था, जो आपका अटेंशन स्क्रीन पे होना चाहिए था वो अटेंशन नहीं हुआ, तो समझने के लिए आपको फिर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, फिर वीडियो वापस से देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज है कि सर लिखने और समझने में से किस पे ज्यादा ध्यान दे, तो समझने पर। सर लिखने वाला काम, नोट्स कैसे बनाएं, ये आपका जो है एरर या फिर ये वाला जो डाउट है ये पूरे सेशन चलता रहेगा। सर नोट्स कैसे बनाएं, आप जरा देखना, आपने एक सवाल लिखवाया जिसकी स्टेटमेंट थी 4 लाइन की, उसके ऑप्शंस थे सर बड़े बड़े, मान लो इंटीग्रेशन की ही बात करता हूं, ये एक सवाल दिया और उसके ऑप्शन थे बड़े बड़े, अगर मैं भी लिखने बैठूं तो मुझे 10 मिनट चाहिए बेटा इसको लिखने के लिए कॉपी में। सर सवाल लिखने पड़ेंगे, जी बिल्कुल, आप ऐसे थोड़ी नोट्स बनाओगे, थ्योरी लिख ली सवाल गायब ही है। सवाल ढूंढने के लिए सर हम फिर क्लिक करके पीडीएफ तक जा रहे हैं, इतना प्रोसेस को डिफिकल्ट मत कीजिएगा, ये आपके हाथ में है, अभी शुरुआती दिन है तो आपको ये लिखना तो पड़ेगा। सर ड्यूरिंग द लेक्चर लिख सकते हैं, भाई साहब ड्यूरिंग द लेक्चर लिखना, समझना, इसका सॉल्यूशन भी नोट करना, उस लेवल का सर हिट करना दिमाग, इतना पॉसिबल। तो फिर सर क्या करना है आप हमें समझाइए प्लीज। तो आपको ये करना है कि आप ड्यूरिंग द लेक्चर आराम से समझने वाले मोड से बैठेंगे। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ और ये मेरे पढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ जो जनरल क्लासेज में चल रहा है, जो बच्चे फॉलो करते हैं, फाइनली जो हम इस डिसीजन पहुंचे। नोट्स और रिविजन आप क्लास के बाद में करेंगे। अब क्लास के बाद में बताता हूं, इसमें एकदम क्लैरिटी, आप यहां पे समझने पे ध्यान देंगे, पूरा समझने की कोशिश करना। आप एक रफ नोटबुक लेके बैठेंगे, कैसी नोटबुक, रफ नोटबुक, मैं आपको सवाल दूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझना है, ठीक है। कुछ लोग तो है वो फेयर नोटबुक भी लेके बैठते हैं, बिल्कुल सही, या फिर नोट्स वाली बुक भी लेके बैठते हैं। सर जितना पॉसिबल हो सका हमने लिख लिया, ठीक है, लिखने पे ज्यादा एफर्ट हमने नहीं डाला। अब सर आपने क्वेश्चन दिया, हमने रफ नोटबुक में आपके पैरेलली सॉल्व किया, देखा कि जवाब हमारा मैच कर रहा है कि नहीं, मैच कर रहा तो बहुत अच्छी बात, नहीं मैच कर रहा तो रीजन क्या था। तो आप रफ नोटबुक में मेरे साथ चलते जा रहे हैं और आप वहां पर रफ हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, ये हुआ ड्यूरिंग द लेक्चर की बात। जब आप लेक्चर खत्म हो गया, इसके बाद में अब आपके पास पीडीएफ पहुंचाई जाएगी नोट्स की। एक बच्चा खुश, बिल्कुल, बोले सर जब पीडीएफ पहुंचाई दोगे तो मैं क्यों लिखूं, भैया खुद के लिखे हुए नोट्स अगर कहीं से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान की प्राप्ति का बात अगर मैं बोलूं, दैट मींस अगर हाईएस्ट रैंक आ सकती है, आपका अचीवमेंट बहुत बड़ा हो सकता है, तो वो है नोट्स खुद के। तो आपको क्या करना है, आफ्टर द लेक्चर सर रिवीजन भी करनी होती है, मैंने कहा पीडीएफ नोट्स आपके पास आ चुके हैं, समझ पा। अब उनको देख देख कर फटाफट लिखना स्टार्ट करो, फटाफट, ठीक है। ग्रीन ब्लू पेन लगाना है लगाओ, बट स्पीड थोड़ी तेज होनी चाहिए, फिर बोल रहा हूं आराम से नहीं, आपके पास टाइम कम है, हर इंस्टेंट पे टाइम कम है। सर तेज फटाफट, बिल्कुल सही, लिखना स्टार्ट करें। और अगर आपने ये वाला काम 100% किया है तो आप एक चीज फील करेंगे, जब आप ये लिख रहे होंगे ना तो कानों में पीछे मैं आपको बोलता हुआ सुनाई दूंगा, अगर आपने ये ढंग से किया है तो। जब आप लिख रहे होंगे कि अच्छा सर ने बोला था एक्स प्लस वन का, इधर वन को इधर लेके जा रहे हैं तो -1 होगा, और सर ने यहां पर बताया था कि स्क्वायर क्यों किया है, ये आपको सुनाई देगा अगर आपने ढंग से सुना है तो। रिवीजन का मतलब कुछ लोग सोचते हैं सर दोबारा वीडियो देखनी है, भाई साहब दिमाग थोड़ी खराब है आपका, टाइम थोड़ी है हमारे पास इतना, दोबारा वीडियो 2.5 घंटे का या 2 घंटे का लेक्चर हमने पहले देखा, नोट्स बनाने के लिए फिर से नहीं। ड्यूरिंग द लेक्चर ऐसी कोई बात जो स्क्रीन पर नहीं लिखी हुई है बट मैं बोल के निकल गया, मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, जैसे ये बोला कि भैया ये कॉन्सेप्ट IIT JEE में 4 बार रिपीट हो चुका है, सर हम लास्ट में ढूंढेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो IIT JEE बार बार पूछ रही है, इससे बढ़िया आपने बोला वहीं पर ही, जो आप ये रफ नोटबुक है उसमें लिख देना कि भैया स्लाइड नंबर, ये वाली स्लाइड नंबर यहां दिखाई देता है बट फिर भी नहीं दिखाई दे तो आपको इतना समझ में आता है, इस सवाल के लिए बोला था सर ने कि बेटा ये वाला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो, ऐसी कोई भी बात, कॉन्सेप्चुअल बात भी हो सकती है, जनरल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। तो आप नोट्स कैसे बनाएंगे, सर पीडीएफ को देखकर क्लास के बाद में। अब इसमें भी भैया सब्जेक्ट वाइज वेरी करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कई बार मैं देखता हूं कि कुछ लोग ड्यूरिंग द लेक्चर भी आपको टाइम देंगे कि बेटा ये लिख लीजिए, समझ पा रहे हो,
तो सर ऐसा टाइम आप क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज हमारे पास सिलेबस थोड़ा ज्यादा है और समय सवाल ज्यादा करने हैं, प्रैक्टिस ज्यादा करना है, और रिवीजन और नोट्स जब एक साथ हो रहे हैं लेक्चर के बाद में, रिवीजन और नोट्स जब एक साथ हो रहे हैं लेक्चर के बाद में, तो उसमें क्या समस्या है भाई? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। रिवीजन और नोट्स आफ्टर द लेक्चर, जैसे ही आपका लेक्चर खत्म हो गया, तीन लेक्चर रहेंगे पर डे, उसके बाद में जो आपका डेली टास्क है वो है डीपीपी और गिवन होमवर्क। क्लासेस के बाद में आपको होमवर्क दिया जाएगा 100%, आप उस होमवर्क को फॉलो करते हुए फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। ये सर काम हमें कब कर लेना है? वापस यू हैव टू बी ऑन योर टोज, टाइम की कमी हमेशा रहेगी सर। ये काम हमें अगली क्लास से पहले करना है, अगली क्लास से। अब आप कब करते हो? केमिस्ट्री पहले कर रहे हो कि फिजिक्स बाद में कर रहे हो कि मैथ्स बीच में कर रहे हो या मैथ्स को कल सुबह उठ के कर रहे हो, वो मेरा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। जब मैं दोबारा अगली क्लास में आऊं उससे पहले आपका काम ये कंप्लीट होना चाहिए। कभी भी करो वो तुम्हारी टेंशन है, डेली पाओ डेली निपटाओ, दिस इज अवर गोल। जो आपको मिला है आज का काम वो अगली क्लास से पहले कंप्लीट, बस इसी से ही पैरेलल में चल पाओगे, वरना गड़बड़ हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये एकदम कहानी क्लियर है। इसमें अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो अपने हिसाब से तो कर लीजिएगा, बट ये एक बेसिक रूल है, मेरे ख्याल से समझ गए।